अभी अभी खबर आ रहा है नवादा थाना क्षेत्र के करमन टोला रोड में मिल रोड के समीप शाम हथियारबंद अपराधियों ने सगे भाई समेत तीन पर हमला बोल दिया। इसमें दो को गोली मार दी, वहीं एक धारदार हथियार से जख्मी हो गया है। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार घायलों में कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के सार सिवान निवासी राजकिशोर यादव का 35 वर्ष पुत्र धर्मेंद्र कुमार यादव, शहर के करमन टोला मोहल्ला निवासी उपेंद्र कुमार सिंह का पुत्र मनीष कुमार सिंह तथा उसका छोटा भाई सतीश कुमार है। जख्मी धर्मेंद्र यादव को सिर में 2-3 गोली मारी गई है। सतीश को दाहिने पैर में गोली लगी है जो अंदर फंसी है। वहीं मनीष कुमार ने सर पर लोहे के दाब का हमला किया गया है। बताया जाता है कि करमन टोला मोहल्ला निवासी कुछ युवकों घायलों को घर की महिलाओं एवं युवतियों का फोटो ले रहे थे। इस बात का विरोध युवती के परिवार वाले ने जब किया तो इसको लेकर विवाद हुआ। इस पर करीब 2 दर्जन की संख्या में हथियार बंद लोग पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमारे परिवार के एनी टाइम फोन करते रहे, हम ना रही तो हमेशा गाली गोला जाके करे, ठीक ना। साथ एक बूढ़ी थी और दादी, वो हमेशा मने फोन छोड़ते ही वो गाली देते रहे। आज का होना के छत पर हमारे परिवार चल है तो फोटो खींचत रह मैंने अथी पर डाले, फेसबुक पर डाल दिए एक उल्टा पलटा लिखवाव के। एक बार हम विरोध के लिए है तो बाहर से लड़कन बुला के कम से कम 4-5 पिस्टल रहे, रॉड रहे, हॉकी रहे, उसे मार पीला सब। बोला मैं 2 आदमी के गोली लागल बा हमारा के रॉड से मरले बड़ा सब। मैंने की फोटो खींच रहा था आपके परिवार की लड़कियों का। हाँ, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मोटरसाइकिल से रहते ना? पैदल पैदल रहते पिस्तौल रहे बहुत सारा। कैसे घटना, कौन मारा आपको जी? छोटा